नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश की नव नियुक्त सरकार में एक बड़ा पेंच फंस गया है, तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो शिमला जिले से अधिक दावेदार होने से फंसा सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल। सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल शिमला जिले से अधिक दावेदार होने से फंस गया है। मंत्रियों के नाम तय करने को लेकर अभी कुछ दिन और कांग्रेस की माथापच्ची जारी रहेगी। वहीं पिछले कल शपथ समारोह के बाद देर शाम तक चुनाव पर्यवेक्षकों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ सिसिल होटल में लंबी मंत्रणा की। ऐसे में मंत्री पद के लिए विधायकों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जिला शिमला से विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और कुलदीप सिंह राठौर की दावेदारी मंत्री पद के लिए की जा रही है। वीरभद्र परिवार को प्रदेश सरकार में भागीदारी बनाने के लिए विक्रमादित्य सिंह को मंत्री का पद मिलना लगभग तय है। ऐसे में दूसरे पद के लिए अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और कुलदीप सिंह राठौर में मुकाबला बढ़ गया है। अनिरुद्ध सिंह तीसरी बार विधायक बने हैं। कुसुमपट्टी सीट से उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज को हराया है। इसके अतिरिक्त अनिरुद्ध को सुक्खू के खास विधायकों को गिना जाता है। अनिरुद्ध समर्थकों का तर्क है कि विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाने से ऊपरी शिमला को भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। विक्रमादित्य सिंह मूल रूप से रामपुर से संबंध रखते हैं, ऐसे में शिमला से अनिरुद्ध की दावेदारी जताई जा रही है। रोहित ठाकुर चौथी बार विधायक बने हैं। इनके समर्थक ऊपरी शिमला का हवाला देकर मंत्री पद मांग रहे हैं। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में मंत्री के अधिक दावेदार होने के चलते सुक्खू सरकार में मंत्रिमंडल का पेंच फंस गया है। तो देखने वाली बात है कि कब ये मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो अभी के लिए यही है बड़ी विशेष खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।